हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट रेडी हो गया हूँ मैं, नहा धो के अच्छे से। तो अभी चलते हैं, एक तो मुझे ओरियो के डॉक्टर के पास जाना है, कुछ सामान लेके आना है, ओरियो की दवाई वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आने। फ्रूट्स सारे खत्म हो गए, तो चलते हैं। पहले तो देखता हूँ गाड़ी निकाल सकते हैं या नहीं, बिकॉज गली में पूरा काम हो रखा था ना, तो होपफुली वो कंप्लीट हो गया और हम अपनी गाड़ी निकाल सके। गाड़ी निकलेगी तभी जा पाऊंगा हिसार। तो मैं पीयूष को तो लेके जा रहा, बिकॉज ये अभी अपना होमवर्क ये ईयरफोन क्यों रखे हैं अगर होमवर्क कर रहा है तो, पढ़ना उड़ रहा है तो हो ना भाई, ये तो कुछ गलत बात है। आईपैड और ये ले, उससे लियो रे आईपैड, और ये लियो इससे आईपैड, मत चलाने दियो इसको, ठीक है। ब्रेक ब्रूक नहीं लेना, अपना काम कर ले चुपचाप। तो ये अपना होमवर्क कर रहा है इसलिए इसको नहीं लेके जाते। तो गाड़ी तो आराम से निकल जाएगी, देखो पूरा सही कर दिया, यहाँ पे पहले पत्थर ही पत्थर थे, अब बिल्कुल प्लेन कर दिया है, तो गाड़ी आराम से निकलेगी। बट बहुत ज्यादा गंदी हो रही है यार, यहाँ पे धूल ही धूल होगी पूरी। तो फिलहाल मैंने गाड़ी तो निकाल दी है और वेट कर रहा हूँ अभी मैं एक फ्रेंड का, उसके डॉग को पता नहीं कुछ हो गया था यार, तो उसको दवाइयाँ वगैरह लेनी है, तो बोल रहा था कि चल पड़ी यार। मैं कहा चलो, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी लेना सामान। रोहन को क्या हो गया? ओरियो को तो कुछ नहीं, मैंने चेक किया था। मेरा वाला यार बड़ा है ना, तो वो लोगों के पास चल जाता, कुत्तों के पास चल जाता है। हाँ, ओरियो को हम जान देते ना बाहर। तो अभी कुनाल गया अंदर लेने के लिए, इतने अपन यहीं बैठते हैं। अरे हाँ, मैंने तो आपको बताया नहीं, उसका नाम कुनाल है। आपको मिलाऊंगा इसके डॉग से, खतरनाक डॉग है इसके पास वो रॉटवाइलर। तो भी हमारा मन कर रहा था गन्ने का जूस पीने का, तो अभी यही पी रहे हैं। डॉक्टर वाला काम हो चुका है दोनों का, अब चलते हैं घर। हम लास्ट टाइम हिसार गए थे 5-6 साल पहले, गर्मियों में, वो भी तपते तपते बाइक में, इसकी बाइक में, और किसी को बाइक चलानी नहीं आती थी ना, इसको बाइक चलानी आती थी, मुझे बाइक चलानी, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती थी, सारा बदन मेरा तप रहा था। तो अभी टाइम हो गया 4:20। हेलो आंटी। हेलो। ओलू सौदा आगे हैं, ओलू सौदा आगे हैं, ओली सौदा आगे हैं, ओलू सौदा आगे हैं, ओली। अरे खीरा भूल गया। आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, दवाई लाया हूँ, तो इसको नहलाने के लिए। धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता गाइस। चलो खाने में क्या बनाया? खाने में खाना, खाने में खाना। खिचड़ी डाल के दे दे यार, मेरी फेवरेट प्लेट। एक गुड न्यूज है, अभी ऊपर आएगा तो बताऊंगा तेरे को, ठीक है? तो अभी ये चाय टाइम, चलो सरदा आज आप चाय बनाओ। मैं नहीं बनाता, साहिल बनाएगा। साहिल क्या मस्त चाय बनाते हैं, थोड़ा साहिल को मक्खन लगाते तब वो मान भी जाएगा। साहिल को थोड़ा मक्खन लगाते हैं। साहिल क्या मस्त चाय बनाता है यार तू, क्या मस्त चाय बनाता है, बना रहे? पीयूष सर मैं अपने लिए बना रहे हैं दूध वाली चाय, मस्त मस्त। कौन डाल दे केमिकल दूध वाला मेरा, ठीक है, पानी वाला आपका है। पत्ती और चीनी डाल। चाय उबल गई भाई, चलो अपने लिए तो काफी है इतनी। बिस्किट कहाँ है? नॉन स्पॉन्सर्ड बिस्किट। तो अभी शाम के पूरे 6 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, अभी हमारा प्लान है साइकिल पे कहीं घूमने जाने का। साइकिल यहाँ नहीं खड़ी, साइकिल पार्किंग में खड़ी है, तो साइकिल निकालते हैं, चला जा। ओरियो बुला रहे हैं, ओरियो बुला रहे हैं। तो ये साहिल दा की है, ये है पीयूष की, और ये है पापा जी की, जो कि मेरे को चलानी पड़ेगी क्योंकि ये वाली तो खराब है, वाइट वाली। ओए नहीं 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 नहीं, नहीं, अरे कुछ नहीं करेगा, अरे डर मत, डर मत, डर मत यार तू, चल चल अंदर, मेरी में इसमें भी मार दे कपड़ा। 150 रुपये ले लियो तू। ओलू आ जा, ओलू आ जा, अरे चलेगी साइकिल में, चलेगी। रेडी रेडी, सोनू भैया भी आ रहे हैं, सोनू भैया भी पता नहीं किसकी साइकिल लेके आ रहे हैं। हाँ यार, साइकिल चलाने में अलग ही मजा आता है भाई। भाई तेरे को मजा आ रहा है, मैं कैसे साइकिल चला रहा हूँ देख तो ले पहले, तेरे को मजा आ रहा है, मेरे को यार इतना मजा, तेरी चल रही है स्मूथ, मेरी थोड़ी चलती है। बाय द वे हमने डॉग फूड ले लिया था, ये साहिल के पास है डॉग फूड, ये हम दे देंगे। तो आज हम थोड़ी जल्दी आए हैं, अभी सनसेट नहीं होएगा, अभी सनसेट होने में काफी टाइम है, तो यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं थोड़ी देर सभी के सभी। ऑफ रोडिंग आ जाओ भाई, कुछ नहीं होता, आ जाओ, डर मत, पीयूषी टेंशन ना ले, आ जा इसके अंदर। तो यार इसमें स्टैंड वो वाला होना चाहिए था यार, लगाने में दिक्कत आएगी अब। तो यहाँ तक हम राइड करके लाए, पसीने से भीग गया मैं तो, बट मजा आया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आज हम साइकिल पे क्यों आए हैं, यूजली हम गाड़ी में या फिर बाइक में आते थे डॉग्स को फीड वगैरह करने के लिए, तो आज हम साइकिल में इसलिए आए हैं बिकॉज आज इस वाली वीडियो पे 20 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे साइकिल वाली पे, जो हमने पीछे साइकिल दिलाई थी।
तो उसी खुशी में आज साइकिल राइड कर रहे हैं। तो मैं तो ये वाली साइकिल लेके आया हूँ, पीयूष की वाली, साहिल वो एंड सोनू भैया ये। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक साइकिल ले ही लेता हूँ, थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे। ये वाली चला रहा हूँ, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, पैर थोड़े टाइट हो जाते हैं, बट ये थोड़ी स्मूथ है, पीयूष वाली और साहिल वाली भी, इन तीनों की स्मूथ है। वो आंटी जी दूर से फोटो खींच के ले गए। सही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो चलो फिलहाल चलते हैं, अब डॉग्स को फीड करते हैं। आज तो अलग ही खुशी है भाई, 20 मिलियन है। अरे अलग अलग दे, अलग अलग दे, एक साथ मत दे, अलग अलग दे। आजा आजा, अभी 10-12 और देना है। लैला चाओ बैला चाओ, लैला बैला चाओ। तो 20 मिलियन वाली साइकिल चला रहे हैं फिलहाल अपन। पापा जी ने यही चला चला के अपने को पाला पोसा है भाई। नहीं, यही नहीं। ऐसी तो थी फिर, वो भी तो ऐसी थी, इससे भी घटिया थी भाई वो। रिस्पेक्ट कर इस साइकिल की, इसी की वजह से अपन यहाँ आज। 20 मिलियन वाली काफी स्मूथ चल रही है यार, पापा जी वाली स्मूथ नहीं चल रही थी। मतलब पापा जी ने यार वो साइकिल चला चला के हमको पाला है बचपन से, मेहनत मजदूरी करके, इसीलिए मैं भी चलाता हूँ वो साइकिल। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो चला के, मतलब वो चलाने में ना एक अलग ही फीलिंग आती है मुझे, जो कि मैं ही समझ सकता हूँ। ये 20 मिलियन वाली है, ये चला के उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई जितनी उसको चला के आ रही थी मुझे, सिर्फ पापा जी की वजह से। तो यहाँ पे कबड्डी का मैच चल रहा है, देखो एंड साइल फीड कर रहे हैं इनको, बहुत ही सारे लोग हैं ना। ये भाई ये चलाने में तो फुल मजा आ रहा है, तेरे को आ रहा है ये चलाने में मजा? भाई आना चाहिए। नवीन ने हमारा रूल तोड़ दिया और ये स्कूटी उठा के आ गया है। साइकिल लेके आ जा, पीयूष की न्यू साइकिल। तो ये अपनी स्कूटी देके साइकिल उठा लाया है। तो अभी हम आ चुके हैं उसी जगह पे जहाँ पे तो ये पिछले बहुत टाइम से हम साइकिल चला रहे हैं, तो प्यास से हालत खराब हो गया, पंचर नहीं है, अरे हवा कम होगी होगी। अरे चल ले यार, बहुत दूर जाना है अभी। कोई बात नहीं, पंचर कल डलवा देंगे, अभी तो चल रही है, चल जाएगी। तो गाइस पीयूष का पंचर हो चुका है और अभी तक हम यहीं पे ही हैं, तो अब क्या करें। तो सारी हवा निकल चुकी है अगले टायर में, तो अब चला नहीं सकते इसको, अगर चलाएंगे तो सारा टायर खराब हो जाएगा, इसीलिए अभी हम ऐसे चल के जा रहे हैं। पीयूष को मैंने ये वाली साइकिल दे दी है, अभी तो बहुत दूर जाना है यार अपन को। क्या हो गया, पोपट हो गया, 20 मिलियन वाली साइकिल पंचर होगी। तो अभी साहिल ने पीयूष को अपनी साइकिल दे दी है, पीयूष की साइकिल स्कूटी पर रख लिया है, तो नवीन के आने का फायदा हो गया। नवीन हमेशा कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो ये स्कूटी लेके आया तो फायदा हो गया। अभी साइकिल इस तरह से स्कूटी पर रख लिया है और साहिल ने पकड़ लिया अच्छे से, तो अब ये ले जाएंगे और ये चला के ले जाएगा सबसे बढ़िया। पोपट तो होना ही है भाई अपना, 20 मिलियन वाली साइकिल का हाल देखो। चले चलो, मैं तो यही चला रहा हूँ अपनी पापा जी वाली, एंड अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। मम्मी जी आज हमारा पोपट हो गया, पता आपको, पंचर होगी इसकी साइकिल, फिर स्कूटी में लेके आया साहिल, खतरनाक सीन हो गया था। आज इस पे 20 मिलियन व्यूज हुए और आज ही पंचर हो गया। स्कूटी पर रख के लेके आए, मैंने दिमाग लगाया, हम ऐसे चल के ले आ रहे थे। हैं ऐसे रखा होगा बीच में, हाँ बीच में रख लिया था, नवीन आया था। हाँ अब कल पंचर लगा के आना पड़ेगा उस पे। आपकी साइकिल मस्त है, सबसे बढ़िया चलती है आपकी साइकिल, आपकी स्ट्रगल टाइम की साइकिल है वो। मैं अपने सूप बना लूं? बना ले, रोटी तो खाएगा पहले। सूप से क्या, पेट भरना, थोड़ा सा बनाऊंगा बस। तो यहाँ पे अपना सूप रेडी हो रहा है और रोटी और सब्जी आ गई है, लौकी की सब्जी। तो आज डिनर में सूप और रोटी सब्जी खाएंगे। रोटी मम्मी बना रही है फिलहाल अभी सबके लिए, मेरे लिए तो बना दी 2 रोटी। तो अभी जस्ट मैं एडिट कर रहा था, तो इसमें एक सीन आया, किसी ने मुझे कहा कि तुम ओरियो को बांध के रखो, उसको ओरियो को बांध के रखो, क्योंकि उछल गया था ना आज एक बच्चे पे। बट ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं हो जाता, कभी किसी चीज़ को नुकसान नहीं, किसी बंदे को भी नहीं, आपने नोटिस किया होगा। तो मैं क्यों बांध के रखूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैं एडिट कर रहा था ना, देख के मुझे, देखो कैसे सो रहा है यार, मतलब ये मेरे बेड पे मेरे साथ में सोता है डेली के डेली, और अच्छे से रहता है हमारे घर में, आपने देखा भी होगा कितनी मस्ती करता है, स्टूडियो में रहता है, कभी नीचे इस तरह से, कभी भी किसी चीज़ तक को ये फाड़ता तक नहीं है, कुछ नहीं करता। बट जब कोई मुझे बोलता है ना इस तरह से, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम है तो दूर रहो, या फिर घर पे मत आओ, या फिर जो भी है, बट ओरियो को मैं बांधने नहीं वाला, सीधी सी बात है। बिकॉज आप लोगों के लिए एक डॉग होगा ये, बट मेरे लिए क्या है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो हाँ बस यही कहना था। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओ भाई साहब क्यों डरा रहे तू, सिनेमैटिक ले रहा हूँ, तू जान मत ले भाई। भाई passing by, leave a mark in our minds to turn the memories. The river's gonna cry when you're